जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जो अपने आप को सत्य का पालनहार मानते हैं वो सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के को दबाने में लगे हुए हैं, पर ये दबेगा नहीं। और जो खुलासे हुए हैं, जरूर देश मांग रही है कि सत्य क्या है, सच क्या है। जैसा कि पवन जी ने कहा और सुप्रिया ने भी कहा, सत्यपाल मलिक न केवल राज्यपाल रह चुके हैं, चार राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आज भी बीजेपी के पार्टी में वो शामिल है। तो वास्तविक है ये सवाल पूछना इस सरकार से कि जवाब क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है। नेशन वॉन्ट्स टू नो, देश जानना चाहती है। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी कोई गंभीर मसला उठता है हमारे देश में, संसद के अंदर या संसद के बाहर, प्रधानमंत्री का एक ही जवाब है, चुप्पी। चीन पर चुप्पी, अडानी पर चुप्पी, काले कानून पर भी आपको याद होगा करीब एक साल तक चुप्पी था, बाद में जब मजबूरी से उनको वो काले कानून वापस लेने पड़े, कृषि काले कानून आपको याद होगा। तो ये चुप्पी तोड़ने का वक्त है, पर इस सरकार का सिद्धांत तो यही है, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम चुप्पी। पर ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, पवन ने सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू से पांच ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे आपके सामने रखे हैं, और उस पांच में से एक मुद्दा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पुलवामा में जो हुआ उसके संदर्भ में सुप्रिया ने पांच तीखे सवाल आपके सामने रखे हैं, तो कुछ तो जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम चुप्पी, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम साइलेंस, यही तो सिद्धांत है सरकार का। या कार्रवाई कीजिए सत्यपाल मलिक के खिलाफ, या जवाब दीजिए जो सवाल उठाए गए हैं इंटरव्यू से, और पुलवामा के संदर्भ में जो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो सुप्रिया जी ने अभी आपके सामने रखा है, इस पर जवाब आना जरूरी है, अनिवार्य है। बहुत हो चुका है, पर हम जानते हैं कि अभी जो प्रयास हो रहे हैं कि इस न्यूज को किसी भी तरह से दबाया जाए और कहीं हेडलाइन पैदा करें, इसको हेडलाइन में मत रखें, तो कुछ ना कुछ प्रयास तो होता रहेगा आज और कल, पर यह मुद्दा जाएगा नहीं। इंटरव्यू से जो सवाल उठते हैं, खास तौर से पुलवामा के बारे में जो सवाल उठते हैं और उठाए गए हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, पूछते रहेगी। अडानी के मामले में हम चुप नहीं रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता, हमारा धर्म है सवाल पूछना, सरकार का धर्म है सवाल देना, जवाब देना। पर संसद के अंदर जवाब नहीं, संसद के बाहर जवाब नहीं, ये अजीब सा लोकतंत्र है। विश्व गुरु ने दुनिया को एक नया मॉडल दिखाया है लोकतंत्र का, यानी कि लोकतंत्र के सिंबल हैं, इमारतें हैं, पर लोकतंत्र की आत्मा बुझाई दी गई है। असलियत में लोकतंत्र ही नहीं, पर नए नए बड़े बड़े मंजिल, बड़े बड़े इमारतें हैं,
जो सिंबल सिंबोलिज्म है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो तो है, पर असली अर्थ, असली रूप, असली चरित्र, वो सब बुझ गया। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये सीधा प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जाए, ये किसी एक दो मंत्री के नहीं है, ये सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर ही ये सवाल जाकर वहीं खड़े होते हैं और जवाब आना है प्रधानमंत्री की ओर से। शुक्रिया।